मजदूर की मलबे में दबकर मौत, भवन स्वामी ने साफ इनकार किया, मजदूरी नहीं कर रहा था व्यक्ति। आपको बताते चले कि झांसी जिले के मऊरानीपुर में गुरुवार की सुबह सुबह एक पुराना मकान गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो जाने पर नगर में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना पर उप जिलाधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, कोतवाली प्रभारी सहित नगर पालिका प्रतिनिधि व समाज सेवी मौके पर पहुंच गए थे और आनन फानन में नगर पालिका की जेसीबी मशीन के द्वारा मलबे में दबे मजदूर को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन मजदूर को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि उक्त मकान में तीन मजदूर काम करने गए थे, जिसमें दो मजदूर मटेरियल की दुकान से छेनी हथौड़ा लेने गए थे। तब तक उक्त मकान की दीवार धराशायी हो गई, उसमें पुरानी मऊ निवासी विक्की पुत्र चूचू श्रीवास के रूप में पहचान हुई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि भवन स्वामी के द्वारा साफ इनकार कर प्रशासन को भी गुमराह किया गया। मकान मालिक राजू कटिल का कहना है कि मजदूर काम नहीं कर रहे थे। वहीं क्षेत्र के पार्षद धनीराम श्रीवास ने बताया कि मलबे में दबकर मजदूर की मौत हो गई है। वहीं मजदूर का साथी दीपक, जो पुरानी मऊ का निवासी है, उनका कहना है कि हम तीन लोग उक्त मकान में मजदूरी करने आए थे। उक्त मामले की गंभीरता से जाँच होनी चाहिए, जिससे मृतक के परिवार जन को न्याय मिल सके। मऊरानीपुर से अंजना यादव की रिपोर्ट। जो हादसा हुआ है, ये किसका मकान है? ये मेरे पिताजी की पैतृक दुकान है, डल्ला साइकिल की दुकान। कितने साल पुरानी है ये दुकान? पता हमको भी नहीं पता। अच्छा, आप अच्छा, ये कैसे धराशायी हुआ है? वो पानी बारिश के कारण, मतलब बीस शहर में ये मकान कितने लोग दबे हैं इसमें? हमको नहीं पता, हमको क्या पता। दुकान बंद है आज परसों। अच्छा, तो क्या इसमें दुकान थी? दुकान, अच्छा दुकान चालू थी? नहीं नहीं, दुकान पापा जी के साथ हो जाने के बाद से तकरीबन 2012 में पापा जी दुकान बंद। इस घटना में कितने लोगों के हताहत होने की खबर है? कुछ नहीं पता भाई साहब, तो रोड पर दुकान है हम क्या। अच्छा, धनीराम श्रीवास पार्षद। क्या घटना हो गई यहाँ पर? भाई यहाँ पुराना लल्ला कटल जी का मकान था, दो दिन से बारिश होने के कारण इसमें पानी बहता रहा। पुराना मकान था, इसमें कोई रहता नहीं था। तो इसकी सुबह अभी थोड़ी देर कुछ पहले जमीन दीवार अपने आप भर्रा के गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अभी अभी हम लोगों ने उस लोगों को निकाल कर एक तरफ रख दिया है। वो संभवता हो सकता है, मैंने नगर पालिका जेसीबी बुलाई है और मौके पे उसको निकलवा के देखते हैं। अगर कोई और क्षति हुई होगी तो वो सामने पता चलेगा। बड़े बाजार में, बड़ा बाजार है। किसकी यहाँ घटना भैया जी? तुकिल साहब के थे। हैं? तुकिल साहब के थे। तुकिल साहब की यहाँ तो क्या काम करने गए थे आप? हम लोग वहाँ पर गुम्मा भरना था अलवाई में। अलवाई में ऊपर से अपन तरपाल डालना था। अच्छा अच्छा, हम लोग का सामान लेने के लिए। हाँ, ये मेरा भाई वहीं रुक गया। हाँ, हम लोग आए थे सामान लेके। जी, मैं खाने लगा समोसा, मेरा साथ वाला छेनी हथौड़ा लेके वहीं पहुँचा। हाँ, मैं खाना खा, मैं नाश्ता कर रहा था, वहाँ पर मेरे को खबर मिली है कि भाई तेरा भाई मट्टी में दब के ख़त्म हो गया है। हाँ, मैं वहाँ से दौड़ के आया, जब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी। आप कितने लोग काम पर गए थे वहाँ पर? हम लोग तीन आदमी थे। तीन आदमी थे, तो क्या जाने दबे रह गए वहाँ पर? वहाँ पर एक ही आदमी दबा मेरा भाई से। एक ही भाई दबाएगा। अच्छा, आप छेनिया दौड़ा कहाँ पर लेने गए थे आप? हम लोग गए थे मुन्नी सेठ की दुकान। मुन्नी सेठ के यहाँ पर उतने समय में आपका भाई दब गया। उसको वहाँ से कुआ दवा लाया, तीन शर्ट तक तीन इंची गर्दन में गला और गर्दन इनकी कट गई है। किस चीज़ का काम करने गए थे आप वहाँ पर? हम लोग मजदूरी का काम करते हैं वहाँ पर, गुम्मा ईंटा लगाना था उधर। अच्छा अच्छा, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।